आज का हमारा टॉपिक है जनवादी चीन का शासन तंत्र, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, मंत्रिपरिषद तथा केंद्रीय सैनिक आयोग। नए चीनी संविधान में से ऐसा लगता है कि सिद्धांतिक रूप से चीन में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चीन के विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है तथा मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। नवीन संविधान में राष्ट्राध्यक्ष तथा केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद, जिसे चीनी गणराज्य के चेयरमैन का नाम दिया गया है, का प्रावधान किया गया था। संविधान की धारा 8 में धारा 39 से लेकर 46 राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों से संबंधित थी। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था। वो सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 4 वर्ष का था। उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, जिसमें कार्यपालिका, न्यायिक, राजनीतिक एवं सैनिक शक्तियां प्रमुख थी। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत विधियां एवं आज्ञातियां प्रसारित करना तथा प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति आदि सम्मिलित था। न्यायिक शक्तियों में समाधान का अधिकार निहित था। राजदूतों की नियुक्ति तथा उनकी वापसी, दूसरे देशों से आने जाने वाले राजदूतों का स्वागत आदि औपचारिक कार्य चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक शक्तियों में सम्मिलित थे। वे चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था। 1975 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार चीन की राजव्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा। माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चाउ इन लाई तथा माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1978 के संविधान में भी राष्ट्रपति जैसे किसी पद की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में ये अनुभव किया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जन्म ले लेती है और शासन की क्षमता को आघात पहुंचता है। अतः 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई तथा ऐसे करने का लक्ष्य यही है कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व दूर हो। निर्वाचन। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। पद रिक्त होने पर यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व किन्हीं कारणों जैसे त्याग पत्र, मृत्यु आदि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान ले लेता है। किंतु यदि उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में जनवादी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। किंतु तब तक जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निवारण करता है। शक्तियम कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कई कार्य हैं। पहला, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेश अनुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद से हटाता है। राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानित उपाधियां प्रदान करता है। सार्वजनिक समाधान की घोषणा करता है
और व्यक्तिगत उपाधियों को समाधान देता है। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। उपयुक्त कार्यों को वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य कार्य भी हैं। चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देश में चीन के राजनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना तथा उन्हें वापस बुलाना, विदेशों से की गई संधियां एवं समझौते की पुष्टि करना और उन्हें रद्द करना। राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक है। वह उन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति की इच्छा अनुसार करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं। उसे अमेरिका राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से वह प्रावलंबी और दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद। 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था और श्री सेन यात सेन वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करते रही थी। उपराष्ट्रपति राजकार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता था। वर्तमान में चीन के जो उपराष्ट्रपति है वो नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वही योग्यता रखी गई है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियाँ प्रदान करता है और उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वास्थ्य के समय वह राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया जाता है। राज्य परिषद। चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासनिक संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जनवादी सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। रचना और संगठन। राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट कौंसिल, मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, आयोगों के प्रभारी मंत्री, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमंत्री पर है। संविधान राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या या मंत्रालय की भी चर्चा नहीं करता, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान में किया गया है। इन्हें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। राज्य परिषद का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की भांति 4 वर्ष का है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए जहाँ तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, एक टीम के रूप में इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से कुछ अधिक ही होगा। जब तक नई राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा नए राज्य परिषद का गठन न कर लिया जाए, यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल भी तदनुसार बढ़ जाता है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद मंत्री प्रधानमंत्री के
निर्देशन में कार्य करेगा। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिल उनके कार्यों में सहायता करेगी। राज्य परिषद के कार्यकारिणी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिल तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद की कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री तथा आयोग के अध्यक्ष अपने अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने अपने विभागों की बैठकों का आयोजन करेंगे और विभागीय प्रश्नों पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में चीन के संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया, न ही इस बात की चर्चा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाएगी। उसकी संवैधानिक स्थिति की तुलना यदि भारत या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से की जाए तो यह स्पष्ट है कि उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ ही उसकी तुलना उचित प्रतीत होती है। इन दोनों ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री के रूप में अलग से कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री पदाधिकारी ये व्यक्ति अपने अपने देश के साम्यवादी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं, इसलिए शासन व्यवस्था में भी उन्हें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। परंतु उनकी शक्तियों का स्रोत प्रधानमंत्री पद नहीं वरन साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में उसे प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। उप प्रधानमंत्री के पद पर भी साम्यवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नियुक्त किए जाते हैं। अधिकांश मंत्रीगण भी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं। राज्य परिषद की शक्तियां और कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को कई कार्य सौंपे गए, जैसे पहला कानून के अनुसार ये विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करता है, उनके निर्णय और आदेशों की घोषणा करता है, उनके कार्य पालन की देखरेख करता है। कानून संबंधी विधेयक को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिपरिषद अथवा समिति के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए उपयुक्त निर्णय और आदेशों में संशोधन करता है या उन्हें रद्द करता है। स्थानीय समिति के अनुपयुक्त निर्णय और आदेशों में संशोधन करना या उन्हें रद्द करना। राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राष्ट्रीय बजट को लागू करना। विदेश और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण करना। सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक व्यवस्था के कार्यों का संचालन करना। राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों का संचालन करना। विदेश में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। राज्य के हित की रक्षा करता है। सार्वजनिक व्यवस्था कायम करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। सशस्त्र सेनाओं का निर्माण तथा संचालन करता है। स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगर पालिकाओं के पद और सीमाओं को स्वीकार करता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनको पद से हटाना। राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करता है और अन्य अधिकारियों का उपयोग करता है। राज्य परिषद के कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि उसका कार्य प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करना, संविधान, कानून और आज्ञाओं के अनुसार निर्णय और आदेश जारी करता है। विभिन्न मंत्रालय, आयोगों और देश के अंतर्गत स्थानीय स्तर के राज्यों का केंद्रीकृत नेतृत्व करना। राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राजकीय बजट का प्रारूप तैयार करना, उसे लागू करना। इन सबके अतिरिक्त राज्य परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य इन प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन करना तथा उनकी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य संपादन करना, जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपा गया है। राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति। राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन या भारत के मंत्रिमंडल के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में जब तक मंत्रिमंडल को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, वह प्रशासन के संचालन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में चीन के राज्य परिषद को अत्यधिक सीमित शक्तियाँ ही हैं। राज्य परिषद की कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।